जी पेज नंबर पाँच सौ अठारह <laughs> जी जालिम समाज एसोसिएट्स Samaj Associates is registered under the Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacturing and trading of electronic, chemical, and other consumer goods. Following information has been extracted from SA's records for the month of August. Those are Sola. Under the provisions of uh, Sales Tax Act and rules made thereunder, compute the amount of sales tax payable by or refundable to SA and the amount of sales tax to be carried forward if any for the tax period August Sola. शो ऑल exemption, exclusion and ऑल द बफ above एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स sales अवेल where सेल्स टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट तो सर जब भी आपको नोमेरिकल नजर आए तो क्या करना होता है जी तो फौर्मेट। उसका फॉर्मेट तो बनाएं फिर क्या देखना है मेरा पेपर है आपका पेपर तो बनाएं फिर बनाए शाबाश मतलब उस्ताद एफ सी हो गए भी काम करें जल्दी जल्दी बनाए शाबाश जी भाई जी जिन मेडिकल का फॉर्मेट बनाना सर बनाइए जरा जालिम समाज एसोसिएट्स जी खाली समाज है कोई बात नहीं सीए कर लो फिर तुम्हें इस डालने में लगेगा यार इसको कोई कुछ ना कहे ये पहले बड़ा दुखी है भाई सवाल में टैक्स पीरियड कौन सा है अगस्त 2000, ओके किधर है फॉर्मेट बना लिया किधर है फॉर्मेट फॉर्मेट नहीं बनाया खड़ा हो जा खड़ा हो जाए से खड़ा हो जाए किधर है फॉर्मेट खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ किधर किधर बनाया मैंने पहले बना लिया जल्दी जल्दी खड़े ओके बैठे रहो जल्दी खड़े हो जाओ किधर है फॉर्मेट जी किधर है फॉर्मेट अभी शुरू किया खड़ा हो जाए खड़ा हो जा किधर है फॉर्मेट जल्दी से खड़े हो जाओ फॉर्मेट किधर है किधर है फॉर्मेट वेर इज फॉर्मैट मैन प्लीज स्टैंड अप प्लीज खड़े खड़े होड़े हो फॉर्मेट बना फॉर्मेट आखिरी वर्किंग है फॉर्मेट 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 तो तुम खड़े नहीं ख़़े हो खड़े हो जाओ जल्दी से खड़े हो जाओ नहीं ड्रामेबाजी ना करो जल्दी खड़े हो क्यों नहीं बनाया अभी तक मैंने पूरे बोर्ड पे बना लिया बैठ जाए अजीब ड्रामेबाज लोग हैं चले जी सप्लाईज बस अब लिखना छोड़ दें अब प्लीज ध्यान दें इधर न्यूमेरिकल समझ लें फिर बाद में नोट कर लीजिएगा सप्लाइज हमने रजिस्टर्ड कस्टमर्स को होलसेलर को डीलर्स को रिटेलर को बेची आपको यह बात पहले भी बता दी है कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसे सेल कर रहे हैं सिर्फ आपने ये देखना है कि बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है बस खत्म तो हुई बात तो यह सब लोग रजिस्टर्ड है तो टू मिलियन की सेल वर्किंग थ्री इनर कॉलम में टू मिलियन नेक्स्ट टू रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट कस्टमर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कोई फर्क नहीं पड़ता मैन्युफैक्चर्ड है बनाकर बेची या खरीद कर बेची सिर्फ हमने क्या देखना है जी रजिस्टर्ड है क्या नहीं है सो कॉर्पोरेट कस्टमर्स को चीजें बनाकर बेची कितनी अमाउंट की तीन लाख उसके बाद है जी रजिस्टर्ड कस्टमर्स परचेज गुड्स अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता हमें सिर्फ रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड देखना है कितनी अमाउंट है पूरे दो लाख सॉरी वो दो हजार थे रजिस्टर तेरी खैर ये आप लोगों को सेल कर दी कितनी अमाउंट है आठ लाख और पचहत्तर हजार टू पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर छह पच्चीस इधर इधर क्यों नहीं आपने शेख रशीद साहब को चीज़ें बेची जो कि एक्सपोर्टर हैं ऐसी बात हुई है कुछ क्या आपने एक्सपोर्ट किया है नहीं सर आपकी लोकल सेल ही है शेख रशीद साहब की एक्सपोर्ट है आपकी लोकल सेल है आप यहाँ नहीं लिखेंगे भाई इसको तो अगर आपने किसी ऐसे बंदे को सेल कर दी जो कि एक्सपोर्टर है तो सर आपकी लोकल सेल है ठीक है तो आप यहां पर लिखेंगे टू एक्सपोर्टर कितनी अमाउंट है छः लाख पच्चीस हजार कोई सवाल सॉरी कोई सवाल सब अच्छा है सेल के मुतालिक किसी का कोई सवाल कोई सवाल नहीं आए जी फिर जवाब सॉरी और नहीं जवाब परचेजेज हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ये कितनी अमाउंट है नौ लाख इनर कॉलम में लिखते हैं हो सकता है कि कोई एडजस्टमेंट आ जाए मे बी मे बी मैन अंग्रेजी मैन यू ब्रो मैन ब्रो मे बी ब्रो फिनिश गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड परसन अनरजिस्टर्ड लोगों से चीजें खरीद ली अंडरटेकर आ रहा है अच्छा अरे तू बिल्ली की आवाज निकाल रहे शर्म नहीं आती तुझे बड़े हो जाए यार अब आप बच्चे हैंजीब वो लोग अजीब लोग हैं यार अच्छा अनरजिस्टर्ड लोगों से जो फिनिश गुड्स आई क्या करना है इसका क्या करना है जी आगे अंडरटेकर आगे अंडरटेकर जी आगे चलते हैं आ, पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड बंदे क्या करूं मिलेगा इंपोर्ट बिल्कुल मिलेगा सर पैकिंग मटेरियल आपका फिनिश ओ, टेक्सेबल सेल में इस्तेमाल नहीं होता ये भाई क्या बनाते हैं ये भाई बनाते हैं जी इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या मोटर डब्बों में पैक करके देनी है वैसे दे देनी है पैक करके देनी है तो इसका मतलब है टेक्सेबल सेल के लिए डब्बे जरूरी हैं ओके तो भाई क्या पैकिंग मटीरियल इस पर आपको इनपुट मिलेगा रजिस्टर्ड लोगों से लिया है पांच लाख और दस हजार सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट आगे चले उसके बाद गुम गया सवाल ओके लोकल मशीनरी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन तीन लाख साठ हजार जी वजह इग्नोर आता है इग्नोर करना यार जात के पी आर सी तो इग्नोर करते हैं सबको मशीनरी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डैश ठीक है जी टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री घरेलू सन्न से चीजें खरीदी क्या करूं क्या नो सर वजह इग्नोर तो कॉटेज इंडस्ट्री तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं होती और अगर चले जिद से हो भी जाए तो फिर भी उसकी सेल एग्जैम्ट रहती है याद है कि नहीं तो इसका मतलब है दोनों सूरतों में इस पर टैक्स लगा होगा क्या नहीं नहीं लगा होगा सो फ्रॉम फ्रॉम पहाड़ी इलाका जात पे जाए तो वहां पे भी तो होते हैं शौकत कॉटेजेस वो क्या होता है वो भी कॉटेज इंडस्ट्री होती है ना। होता नहीं शौकत कॉटेज वो क्या होता है नहीं तो वो कौटेज, वो कॉटेज कौन से होते हैं ये कॉटेज और उस कॉटेज में क्या फर्क है नहीं पॉइंट है ना कभी गया पहाड़ी इलाका जात पे गए आप कभी क्रॉस करके चाइना गए हो अच्छा वो सिर्फ कॉटेज अच्छा अच्छा वो ना असल में घर की टाइप है कॉटेज ये लॉ का वर्ड है कॉटेज इंडस्ट्री अच्छा वो टाइप होती है कॉटेज ना एक तरह का घर होता है ठीक है जैसे पेंट हाउस होता है बस ठीक है जिसको समझ आ गई ठीक है जिसको नहीं समझ आई कोई मसला नहीं ठीक है जी <laughs> इम्पोर्ट फिनिश गुड्स इम्पोर्ट फिनिश गुड्स इंक्लूड ट्वेंटी परसेंट कस्टम ड्यूटी चार लाख बहत्तर हजार जी क्या कर रहे सर पहले तो यह बताएं इस पर इनपुट मिलेगा कि नहीं बिल्कुल मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जी? ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी एड करनी होती है. तो सर वो ऑलरेडी एड है तो ठीक नहीं हुआ तो बिल्कुल ठीक हुआ है ना एड होती है, तो हम ऐड करते उसने तो ऑलरेडी एड किया तो मैं क्या तू तो प्लेट में रखे उसने आपको दे दिया इम्पोर्ट कितनी 472,000 hundred and seventy-two thousand, bro. Okay, bro. Let's go, bro. That was the face, bro. Now let's look at the character, bro. Point number one, bro. Packing material from registered persons in. अच्छा ये किसकी बात हो रही है? ये मुझे इसकी बात ये पांच दस इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है दरवाजा तो अच्छा डेढ़ लाख रुपए की इसके अंदर क्या चीजें शामिल है जी मटीरियल शामिल है विच वॉज यूज फॉर पैकिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स इलेक्ट्रिक मोटर्स को पैक करने के लिए हमने मटीरियल मंगाया इकतीस अगस्त सोलह पे दीज मोटर्स वर स्टिल पार्ट ऑफ एस अनसोल्ड स्टॉक अभी तक हमने ये मोटरें बेची नहीं है हमारे पास ही पड़ी हुई है क्या करूं क्या करूं क्यों पड़ा रहना तू वजह भाई कह रहे हैं डिटर्मिन टैक्स लाइबिलिटी में पढ़ा था कि चीजें बिक गई हो या अभी बिकनी हो इनपुट तो माइनस हो सकता है ठीक कह है रहे हैं भाई हाँ बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं भाई इन, इन, कु, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता तो बिल्कुल जी ये जो चीजें अनसोल्ड हैं बिल्कुल ठीक है जी बेशक अनसोल्ड है आ, सेल हो जाएंगी अगले महीने हो जाएंगी तो इनपुट तो हम ले सकते हैं तो इसके अंदर पड़ी हुई है पड़ी रहने दें तो इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा इग्नोर ब्रो आगे चले रजिस्टर्ड सप्लायर हैुड्स वर्थ रुपीज पचास हजार टू एस एन दस हो एक रजिस्टर्ड बंदे ने हमें पचास हजार की चीजें सेल की हाउ एवर एस ए डिड नॉट रिसीव द सेल्स टैक्स इन वॉयस फ्रॉम द सप्लायर हमें इन वॉयस नहीं मिली तो क्या करूं पहले तो ये बताइए पचास हजार किसी में शामिल है कि नहीं बोले क्या ये पचास हजार किसी में शामिल है ये पचास हजार कहीं पे भी शामिल नहीं है एक बात तो तय होगी दूसरी बात इस पे इनपुट मिलना चाहिए कि नहीं नहीं मिलना, नहीं मिलना चाहिए बावज़ा? तो जी दिदी। दिदी। तू बिल्ली की आवाज निकालने लगा था ना जी बताएं जी बताएं सर क्या क्या वजह क्या वजह क्यों इनपुट नहीं मिलेगा सॉरी क्या कर रहे हैं जी चीजें तो आ गई हैं तो इन आने से क्या होता है यार अपनी फनकारी लगा रहा है ये नहीं बता रहा सर सफा नंबर इस पे देखें कानून में ये लिखा हुआ है कानून तो भाई के करीब करीब से भी भाई कहते कानून कानून हम बनाने वाले हैं सफा नंबर चार चौरासी सफा नंबर चार चौरासी पे नंबर फोर एच फोर ब्रो ओके ब्रो टेबल में देखें फर्स्ट पॉइंट हाँ भी क्या लिखा हुआ है कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स नजर आ रहा है सबको अगर इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो कौन सी शराब पूरी करनी पड़ेगी बोले नहीं बोलेंगे आपके नाम पे टैक्स इन होनी चाहिए क्या आपके पास मौजूद है टैक्स इन नहीं है तो इनपुट कैसे क्लेम करेंगे इनपुट तो क्लेम नहीं होगा ठीक है तो आप यहां पर लिखेंगे इन नॉट रिसीव कोई इनपुट नहीं मिलेगा सब यहीं रह जाएगा ओके नेक्स्ट पॉइंट इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू पचपन नौ सो वॉज पेड इन अप्रैल सोलह बट इन एडवर्टेंटली इट कुड नॉट बी क्लेम्ड इन द रिटर्न पचपन हजार नौ सौ रुपए का इनपुट हमने अप्रैल सोलह में माइनस किया लेकिन सॉरी हमने क्या किया पे कर दिया लेकिन अभी तक इनपुट के तौर पे माइनस नहीं कर सके तो सर क्या रूल है इस बारे में छह महीने तक कर सकता हूं तो सर अप्रैल है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सर मैं तो अक्टूबर तक क्लेम कर सकता हूं ये कौन सा महीना चल रहा है करें माइनस अन्य वाह माइनस करें आ जाइए इनपुट टैक्स पचपन नौ सौ पे अठारह परसेंट लगाए क्यों अच्छा ये ऑलरेडी अठारह परसेंट है कुछ से सितारों ने कैलकुलेटर खोल लिया था ठीक है जी कुछ होते हैं तू तु, तूने कैलकुलेट करा था ना तू बातें करा लो इसे ब्रो ओके okay, ब्रो कह लोवा लो हरकतें इसकी देखो हरकतें तेरी दे दे पाबशीर वाली हैं आगे चले ऐसे <laughs> परचेस्ड हाई क्वालिटी केबल्स एंड वायर्स वर्थ रुपीज ढाई लाख अ अरिस्टर्ड सप्लायर हमने कुछ तारे और तारें खरीद ली ढाई लाख रुपए की माइनस करो इनपुट क्यों माइनस करो इनपुट मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए लिया है नहीं तो मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए हो सकता है लियो लिखी तो, तो, तो नहीं है देखिए सवाल के पहले जुमले में लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है भाई जालिम समाज क्या कर रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो सर क्या तारों के लिए सॉरी मोटरों के लिए तारों और तारों की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो ये जो तारे और तारे इसने खरीदी हैं इसका क्या करना है जी इसका इनपुट मिलेगा आपको मोटर्स के लिए है ना टेक्सबल सप्लाई के लिए तो बिल्कुल इन तारों और तारों पर क्या करेंगे जी हाँ तो केबल्स और वायरस की उर्दू क्या होती है तारें और तारे नहीं होती तो नहीं तो ऐसे अजीब देख रहे हैं कि क्या है केबल की क्या उर्दू होती है तारें वायर की क्या होती है तारे तो तारे और तारे ही बनाना पता नहीं कौन लोग हैं कहाँ से आ जाते हैं तारें और तारें टू फिफ्टी थाउजेंड दुरशंदा तारें ये दुर्शंदा तारे नहीं है भाई ये बिजली वाली तारें हैं दुर्शन तारे तो आप लोग हैं नहीं ऐसे ही ना दुर्शन सितारे यार हर दिल अजीज आगे चलें पॉइंट नंबर फाइव ऑन पांच अगस्त दो हजार सोलह हमारे ही सा वो हमारे ही महीने की बात हो रही है एस ए रिसीव्ड एडवांस ऑफ छे लाख अगेंस्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक शेवर्स टू बारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैम एस एग्रीड टू डिलीवर द गुड इन सप्टेंबर सोलह हमें बारी साहब से एडवांस मिल गया छह लाख रुपए का चीजें हम सितंबर सोलह में डिलीवर करेंगे सितंबर में ही सेल होगी ओके ब्रो एडवांस फ्रॉम मशीन परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर रुपीज पूरे दो लाख ओ मैन इट इज इनक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि कोई अमाउंट हमें सेल्स टैक्स मिला कर दी गई है तो क्या करना पड़ेगा हमें जी हां जी बिल्कुल मेरे भाई इसमें से सेल टैक्स निकाल दे फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स ये दो लाख एक सौ अठारह पे पड़ा हुआ है। इसको सौ पे लेके जाए बताए जी इस पे अठारह परसेंट लगाए ये बनता है? ओके ब्रो जी सर क्या फरमा रहे मेरा ब्रो सुबह नहीं वो आसानी से पता लग रहा है कि दो लाख में से वन सिक्स नाइन फोर नाइन टू निकालो तीस हज़ार निकालो एक सत्तर हो जाएगा पाँच सौ निकालोगे वन सिक्स नाइन फाइव हंड्रेड निकालो आठ बनोगे तो नाइन टू हो जाएगा और नाइन्टी टू का तुम्हें पता है उसी ने तो हफ्ता डाला है ऐसी है ना ओ ब्रो ही सल्यूटिंग मी ब्रो ये ये वो नहीं वो है इसने नाइन्टी टू का कह के ना सेल्यूट मारा है तो ये वो नहीं वो है तुम वो नहीं वो हो वो गुस्सा कर गया ये वो नहीं वो है जी पॉइंट नंबर सेवन पे ऐसा ही ना ये वो ये वो बस है है ये वो नहीं वो नहीं पॉइंट नंबर ऑन दो हजार सोलह हमारे महीने की बात नहीं हो रही भाई एस ए परचे लिक्विड नाइट्रोजन वर्थ रुपीज तीन लाख फ्रॉम मुगल केमिकल्स अच्छा नाम मुगल है आर रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन क्रेडिट उधार पे मेरे भाई उधार पे ऑन पंद्रह अगस्त सोलह एस ए पेड सॉरी मैं एक्सप्लेन कर दूं पंद्रह अगस्त को आजादी से अगला दिन एस ए पेड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू मुगल केमिकल बाय वे ऑफ ए क्रॉस ड्रॉन ऑन एस एस बैंक अकाउंट तो क्या करूं मेरे भाई एक सौ अस्सी क्या मतलब एक सौ अस्सी सर चेक करें एक सौ अस्सी दिन के अंदर पेमेंट की है या एक सौ अस्सी दिन के बाद पेमेंट की है सर दस फरवरी को चीजें खरीदी इट मीन डेट ऑफ इनवाइस दस फरवरी तो फरवरी ग्यारह से दिन गिनना शुरू करें सर क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है बिल्कुल है तो फरवरी के उन्नीस वो कहता है सर लिखे नौ जमा बाईस अजीब आदमी है यार वो तेरी खैर जुलाई के कितने हो गए टोटल कितने हो गए 172 टोटल चेक कर ले भाई मनिटी पूरे हो गए ओके इसका मतलब है कि मुझे आठ अगस्त तक पेमेंट कर देनी चाहिए थी ऐसे ही है मैंने कब पेमेंट की एक सौ अस्सी दिन गुजरने के बाद की तो क्या करना पड़ेगा याद रखिए मैं फिर ये अल्फाज दोहरा रहा हूं जिस महीने में एक सौ अस्सी दिन मुकम्मल होंगे उस महीने में आपने इनपुट डिसअलाउ कर देना है तो क्या अगस्त के महीने में खत्म हो रहे हैं और हम सवाल भी अगस्त का ही कर रहे हैं तो सर इसी महीने में इनपुट डिसअलाउ कर दें इसपे आपको इनपुट नहीं मिलेगा तो तीन लाख पे अठारह प्रतिशत पेमेंट नॉट मेड विद इन एक सौ अस्सी दिन तीन लाख की अमाउंट है बताएं जी अठारह परसेंट फिफ्टी फोर थाउजेंड नेगेटिव क्योंकि हम लेस कर रहे हैं अपना इनपुट ठीक है बोलते नहीं है पता नहीं क्यों ओके इन जुलाई सोलह अनएडजस्टेड इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ नाइन्टी परसेंट ऑफ आउटपुट टैक्स अमाउंटेड टू दस परसेंट ये क्या है जी जी सर ये पिछले महीने जो इनपुट एडजस्ट नहीं हो सका नाइन्टी परसेंट वाले रूल की वजह से ये उसका कैरी फॉरवर्ड है और आपको ये पता है कि ये फेस पे जाके ऐड हो जाएगा चले जी सवाल खत्म हुआ इस पे अठारह प्रतिशत लगाइए दो दिन काफी हैं वन सिक्स सेवन पांच सौ दस पे लगाइए नाइन वन फोर सेवेंटी टू पे लगाइए एट फोर ढाई लाख पे लगाइए पैंतालीस लाख टोटल कीजिए इस शेख रशीद साहब को बंद कीजिए जी कितना थ्री नाइन तीस हजार पांच सौ आठ थ्री नाइन वन तो लिख रहा है ना अभी मैंने किया नहीं लिखना तीस हजार पांच सौ आठ वो ये क्या किया मैंने तो दिन लिख दिए तो, तो तोतल होना था टोटल हां जी आठ लाख पचहत्तर हजार का टोटल करें अच्छा यही बनेगा ओके दो मिलियन का टोटल करें तीन लाख का टोटल करें दो लाख का टोटल करें पूरे दो लाख वो दो हजार होता है छह पच्चीस का टोटल करें और सब का टोटल करें फोर मिलियन इसको सोतेला तो नहीं समझा और ये उठ के आ जाएगा इधर दो दिन लगाए और पोस्टरमेंट करें कर रहे पोस्टरमेंट देख रहा है इधर निकाल कैलकुलेटर। कैलकुलेटरमेंट कर, कर जल्दी कर जल्दी कर बता क्या आंसर आते हैं तीनों के कर तीनों को टोटल जी तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई अब कैलकुलेटर देख के जब आंसर सेम आ गया तो कह रहे है, तो सेम आ गया क्यों है पोर्सन बननी होगी इधर क्योंकि ना तो एक्सपोर्ट्स है और ना ही जीरो रेटेड है तो इसका मतलब है जो कुछ है वो सारा लोकल टैक्सेबल के लिए ही है तो इत मीन्स इत मींस बोले इत मीन्स नहीं बोले पहले इत मीन्स, इत मीन्स। नहीं फिर बोले इत मीन्स, इत मीन्स ओके इत मीन्स तीस पांच सौ आठ तो ये ये नोमेरिकल के फेस पे को डेड कुछ भी कोई फॉत नहीं हो रहा कोई रिफंड नहीं हो रहा ठीक है जी चेहरे पे आ जाए आउटपुट टैक्स चालीस लाख फोर मिलियन इन एठीन परसेंट ब्रो हाउ मच ब्रो सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड ब्रो लेस इनपुट टैक्स ओ मैम वट्सएप ब्रो नो वाट्सएप ओनली वट्सएप ब्रो एक्चुअल कितना है जी थ्री नाइन वन जीरो सिक्स जीरो और पिछले महीने से दस हजार फोर जीरो वन जीरो सिक्स जीरो और नब्बे प्रतिशत ऑफ आउटपुट सात लाख बीस हजार छ लाख अड़तालीस हजार लोअर है जी फोर जीरो वन जीरो सिक्स जीरो और शौकत इंसान बंतु बोली जा रहा है बताए थ्री वन एट नाइन फोर ज़ीरो लेस क्या होगा जी इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स तीस हजार पांच सौ आठ बताइए जी टू डबल एट फोर थ्री टू एड करें जी फोर परसेंट मजीद टैक्स ऑन अनरजिस्टर्ड सेल आठ लाख पचहत्तर हजार की अनरजिस्टर्ड सेल इंटू चार प्रतिशत कितना जी पैंतीस हजार सेल्स टैक्स पेबल बताइए कितना जी तीन लाख तेईस हजार चार सौ कितने कितने अच्छा बत्तीस थर्टी टू रिफंड अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स वजह इनपुट टेक्स्ट टू बी कैरीड फॉरवर्ड माइनस करके बताएं क्या आंसर आता है कितना माइनस करना चाह रहे थे कितना माइनस करने दिया गया तो कोई झगड़ा है कोई झगड़ा नहीं है सवाल खत्म हो गया सबने खत्म हो जाना है आपने पहले हो जाना है आपका सीए पहले खत्म हो जाना नोट करें नोट, नोट करें नोट। आज हम सेल्स टैक्स का कला कमा कर देंगे नीस्तो नबूद कर देंगे तबाहो बर्बाद कर देंगे जमीन में जिंदा गाड़ देंगे जी मेरा भाई क्या फरमा रहा है रिफंड अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स मेरे भाई को अब तक फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए खड़ा हो जा तू तुझे अभी तक फॉर्मेट याद नहीं हुआ एक तो आप लोग छुट्टी भी नहीं करते रोज आ जाते हैं मतलब छुट्टी कर लिया करें कभी उस्ताद भी दरवाज़ा खोल कर कभी खुश हो चलो यार नहीं आए मैं जान छुट्टी रोज ही आ जाते हैं नहीं मैं क्यों मैं क्यों वाई वाई आए वाई आए मैन नहीं मैं ही क्यों मैसेज करूँ आपको खुद पता होना चाहिए यार करके तो दिखाएं पर बताता हूँ मैं मेरे इस बयान को इस सयाको तो सबाक तो से हट के पेश ना किया जाए जी नोट हो गया चले आगे यार मर्जी आपकी यार अब तू साथ साथ नोट करता रहा तो ओके okay, सर जी सबने नोट कर लिया कोई रह तो नहीं गया एक रह गया एक ही तो रह गया जी जी सर नोट तो करना पहले तू बड़ा गुस्सा खाता है तू वो नहीं वो है ये वो क्या है भाई मैं क्यों बताऊं ऐसी किसी का को दिल कोई खुश हो जाएगा कोई दुखी हो जाएगा मैं क्यों दुखी करूं किसी को नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता नहीं सर मैं तो बोल दूंगा लेकिन ऐसे कुछ लोग दुखी हो जाएंगे ना फिर ऐसी अच्छी बात नहीं है सुनने का हौसला है यही तो मसला है सुनने का हौसला नहीं है हाय हाय सफा नंबर 513 सफ़ा नंबर पाँच सौ तेरह जी सर जी एक मिनट दीजिएगा प्लीज ओके जी सफ़ा नंबर पाँच सौ तेरह ओके जनवरी में सेल हुई फरवरी में सेल रिटर्न हो गई इनपुट आउटपुट बना आउटपुट कैंसिल हो गया मार्च में यही चीजें दोबारा सेल हो गई तो दोबारा आउटपुट बन जाएगा ठीक है बस यही बात है। हाँ तो यही बात थी बस और क्या बताऊंगी इसमें हेडिंग है जी वेयर अ कैंसल्ड और रिटर्न सप्लाई इज सब्सिक्वेंटली सप्लाइड अगर एक चीज सेल हुई जनवरी में और फरवरी में रिटर्न हो गई ज सब्सिक्वेंटली सप्लाइड और मार्च में दोबारा सेल हो गई टू ओरिजिनल बायर अब यहां पे दो सिचुएशन हो सकती है, आपने एक आपने जी में कोई है और फरवरी में जाके आपने से कहा कि भाई ये चीज वापस कर दो रिटर्न हो गई अब हो सकता है कि वो डिफेक्ट दूर करके मार्च में आपको ही बेच दे या फिर किसी और को बेच दे दोनों ऑप्शन हो सकती हैं तो वेयर अंसल्ड और रिटर्न सप्लाई सब्सिक्वेंटली सप्लाइड टू दरिजिनल बायर और सम अदर पर्सन या आपको ही बेच दे या किसी और को बेच दे विद और विदाउट रिपेयर चाहे चीजें ठीक करके बेचे चाहे जिस हालत में उसी हालत में बेच दे फर्क नहीं पड़ता सप्लायर शेल चार्ज सेल्स टैक्स इन नॉर्मल वे सप्लायर जो सेल करने वाला है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टैक्स चार्ज करेगा किस महीने में इन द रिटर्न ऑफ द पीरियड इन विच दीज वर सप्लाइड तो चूंकि मार्च में ये सप्लाई की गई है तो मार्च के महीने में सेल टैक्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चार्ज करेगा तो सर जनवरी के अंदर सेल हुई फरवरी में कोई नोट इशू करके ये रिटर्न हो गई जीरो ज़ीरो हो गया तो मार्च में जब सब्सिक्वेंटली सेल हो गई आपको या किसी और को तो क्या करेंगे भाई नॉर्मल तरीके से सेल टैक्स चार्ज करेंगे आपने होंडा सेविक खरीदे जनवरी में आपको पसंद नहीं आई ये आपने वापस कर दी फरवरी में तो रिटर्न हो गई और मार्च में मैंने खरीदी क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ मैं होंडा सेविक चला लेता हूँ आप तो ऑडी बी एमडब्ल्यू मर्सडीज वाले लोग हैं भाई आपको कहाँ पसंद है नी होडा सेविक ठीक है जी तो भाई ये बेसिकली पॉइंट है तो जब मैं खरीदूंगा मार्च में तो फिर मेरे पे वो टैक्स जो है वो लगा देंगे होंडा के लिए आउटपुट टैक्स होगा मेरे लिए इनपुट टैक्स होगा अगर मैंने बेचनी होगी तो ठीक है जी किसी का कोई सवाल एनी सवाल ओके नो सवाल है नो जवाब या तू टाइम देख ले पहले अजीब आदमी है तू मेरे से पूछ रहे मैं तुझे बता देता तो टाइम डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स चीजों की तबाही और बर्बादी नीस तो नबूद कला कमा चीजों को जिंदा गाड़ देना वेयर गुड्स आर रीटर्न बाय द बायर अगर खरीदार ने चीज़ें वापस कर दी ये मुझे खरीदार ना पाकिस्तानी लग रहा है बिकॉज दीज आर अनफिट फॉर कंजम्पन क्योंकि वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं है एंड अच्छा ये लायक ही नहीं है मैं चीज़ों के लिए इस्तेमाल करूँ अपने पर ना समझ लीजिएगा एंड आर टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द सेलर और सेलर ने इनको नीस्तो नाबूद कर देना है द सप्लायर शेल डिस्ट्रॉय गुड्स

खुद से ही रिटर्न डाल लेते थे क्योंकि आपको पता है कि अनरजिस्टर्ड के केस में सेलर खुद से नोट इशू कर सकता है ठीक है तो वो खुद से रिटर्न डाल के ना तो रिटर्न होती तो थी नहीं लेकिन जब कमिश्नर आके पूछता था, था ना भाई तुमने रिटर्न डाली है बताओ चीज़ें किधर है ओ सर वो तो चीज़ें ही ख़राब थी मैंने फेंक दी तो इस तरीके से लोग अपना आउटपुट कम कर लेते थे तो फिर कमिश्नर ने यहां पे शर्त लगा दी कि अगर आपने कोई चीज़ें डिस्ट्रॉय करनी है ना तो आप खुद से नहीं करेंगे आप पहले मेरे से अप्रूवल लेंगे और अप्रूवल के बाद असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में आप ये चीजें डिस्ट्रॉय करेंगे तब मैं मानूंगा कि वाकई में चीजें रिटर्न हुई थी और वाकई में डिस्ट्रॉय हुई थी लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर क्या होगा फिर मैं रिटर्न मानूंगा ही नहीं फिर मैं आउटपुट आपसे वसूल करूंगा ये बात समझ आ गई और ठीक है अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं आउटपुट आपसे वसूल करूंगा द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड शेल नॉट बी इनमिजल बिल्कुल ठीक है आपने जब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी तो क्या इन चीजों पे कोई आउटपुट होगा बोले नहीं होगा ना कैसे होगा आउटपुट आपने डिस्ट्रॉय कर दी है चीजें है, सेल तो हुई नहीं तो अगर आउटपुट नहीं है तो फिर इनका इनपुट भी डिसअलाउ करना पड़ेगा ओके होगी बात ये बात समझ आ गई सो डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट जो है वो माइनस करने की इजाजत नहीं होती नहीं सेल कैसे होगी सेल होके वापस हो गई है ना तो वापस हो गई तो आउटपुट कैंसिल हो गया नहीं नहीं बात सुने आप पूरे पूरा साइकिल समझें आपने चीज़ें बेची आउटपुट आ गया उसके बाद उस बंदे ने चीज़ें वापस कर दी कि ठीक नहीं है आउटपुट रिवर्स हो गया आउटपुट ख़त्म हो गया अब आपने चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी अब उन पर कभी आउटपुट आना भी नहीं है तो सर इनपुट जो आप क्लेम करके बैठे हुए हैं वो फिर गलत हो गया ना जब आउटपुट ही नहीं है तो इनपुट कैसे हुआ तो इनपुट डिसो कर दिया जाएगा यही आपका सवाल था जो आप कुछ दिन पहले पूछ रहे थे और आगे बॉक्स में कहते हैं जी इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन अबव मैनर आउटपुट विल नॉट बी चार्ज तो जहरी बात है आउटपुट नहीं लगेगा और कॉन्सिक्वेंटली आपका इनपुट भी डिसला हो जाएगा हाउ एवर इफ द गुड्स आर नॉट डिट्रॉइड इन अब मैनर आउटपुट विल बी पेड बाय एस थ्रू आर ओन जेब हम अपनी जेब से पे करेंगे बिल्कुल ठीक है कोई सवाल मतलब इसका यह है कि अगर आपने ये चीजें जो है इस तरीके से इस प्रोसीजर के तहत डिस्ट्रॉय ना की एफबीआर कहेगा कि मैं इसको सेल मानने को तैयार ही नहीं हूं ठीक है वो सेल नहीं मानेगा आपकी तो जब वो आपकी सेल ही नहीं मानेगा तो सॉरी 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 अगर गुड्स आपने डिस्ट्रॉय इस तरीके से ना की तो वो कहेगा कि मैं आपकी सेल रिटर्न नहीं मानूंगा ये या आपने चीज़ें सेल ही की हैं आप मेरे साथ दो नंबर ही लगा रहे हैं आपने कोई चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं की आपने बस दो नंबर नोट डाल के चीज़ें रिटर्न करवा ली हैं और आप अपना आउटपुट कम करना चाह रहे हैं तो इसलिए मैं नहीं मानता इन बातों को क्योंकि आपने मुझे चीजें नहीं दिखाई इसलिए मैं क्या करूंगा मैं आपका सेल ही मानूंगा और मैं इस पर आउटपुट आपसे वसूल करूंगा तो फिर आपको आउटपुट पे करना पड़ेगा और उस सूरत में इनपुट मिल जाएगा उस सूरत में इनपुट मिल जाएगा ठीक है तो याद रखिएगा आउटपुट है तो इनपुट है आउटपुट नहीं है तो इनपुट नहीं है ठीक है जी कोई सवाल यार अजीब लोग हैं सवाल ही नहीं पूछते लेट्स हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इन माई ऑफिस सही बात है यार पूरे माल में कोई डेढ़ रुपए का हो गया <coughs> चलिए जी डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स सफा नंबर फाइव वन फोर इनपुट टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज फॉर ओनली टैक्सेबल सप्लाइज शेल भी एडमिजल वो कहता है कि जो इनपुट आपने सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल के लिए पे किया वो सारे का सारा माइनस कर सकते हैं ओके इनपुट टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज फॉर ओनली एग्जैम सप्लायज शेल नॉट बी एडमिजल एग्जेप सप्लाइज का जो इनपुट होगा वो माइनस नहीं होगा ठीक है जी द इनपुट टैक्स फॉर बोथ एग्जैम्प एंड टैक्सेबल सप्लाइज शेल बी अपोर्शन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉमूला सर बोर्ड पर देखिएगा प्लीज इस सवाल में वैसे है नहीं लेकिन चले मिसाल तो बनी जाएगी सर अगर आपने ये अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे चार चार मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय थ्री नाइन वन जीरो सिक्स जीरो ऐसे ही है क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज क्या मैं कह सकता हूं दिस इज वैल्यू ऑफ टोटल सप्लाई टोटल यही होता है ना और इसको नाम दिया है उसने रेजिडुअल इनपुट टैक्स इट मींस दिस इज रेजिडुअल इनपुट टैक्स ओके और इसके नतीजे में जो आंसर आएगा यह आंसर आएगा ना इसको वो कहता है रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्योंकि इस अमाउंट का क्रेडिट मिलना होता है इसलिए इसको रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा गया है इस पूरी अमाउंट का लाजमी नहीं क्रेडिट मिले इसलिए इसको हाल ही रेजिडल इनपुट टैक्स कहा गया तो क्रेडिट उसको कहा गया जो माइनस हो सकता है वो ये है फॉर्मूला समझ आ गया अब जो फॉर्मूला यहां पे लिखा है पॉइंट नंबर थ्री में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ टैक्सेबल प्लस इक्वल टू रेज इनपुट क्या अब आपको ये बात समझ आती है और बोले ठीक yes, है जी किसी का कोई सवाल इनपुट टैक्स क्लेम्ड रॉन्गफुली बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला शेल बी पनिशेबल अगर आपने ये फार्मूला गलत लगा दिया ना तो फिर आपको सजा मिलेगी आपको धूप में खड़ा कर दिया जाएगा आगे चले मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स शेल बी ट्रीटेड एज अ प्रोविजनल एडजस्टमेंट वो कहता है कि ये जो आप मंथली ये काम कर रहे हैं ना ये एक आर्जी काम समझा जाएगा टेम्प्री एडजस्टमेंट समझी जाएगी एंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और साल के आखिर में रजिस्टर्ड पर्सन शेल मेक फाइनल एडजस्टमेंट और साल के आखिर में आप एक फाइनल परमानेंट एडजस्टमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई मेड ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान जो भी आपने टेक्सेबल एग्जाम की होगी अच्छा इसका प्रैक्टिकली इतना कोई नहीं है जो आप मंथली कर रहे होते हैं ना वो भी आप एकट ही कर रहे होते हैं अंदाजे से नहीं कर रहे होते हैं। तो ये भी एकट होता है तो साल के आखिर में जब आप करते हैं ना वो भी सेम ही आंसर आता है क्योंकि अगर आप मंथली गलत करना शुरू कर देंगे ना तो काम बिगड़ जाएगा वो पनिशेबल होता है इसलिए आपने मंथली ठीक करना होता है बस वो कह रहा है कि साल के आखिर में एक दफा री चेक कर लो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई क्योंकि फिर तुमने अगस्त के महीने में मेरे से रिफंड लेने आ जाना है पता ना इनपुट टैक्स टू बी कैरियर फॉरवर्ड का तो उससे पहले एक दफा फाइनल एडजस्टमेंट चेक कर लो कि कोई मसला तो नहीं कोई सवाल तो क्या चीज पे तो ये पे रिटर्न के साथ करते हैं जिस महीने के आप रिटर्न कर रहे हैं उस महीने से अगले दिन जो पंद्रह तारीख होती है वो बस री चेक वो कहते हैं एक दफा कर लो प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूं इस तरह नहीं होता साथ कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हो रही होती है बस वो कह रहे कि एहतियातन चेक कर लो जी एहतियात बेहतर होती है ना कोई सवाल हाँ जी सेल टैक्स खत्म ऐ नहीं खत्म अभी बताता हूँ खत्म के नहीं खत्म ओ यार सफा नंबर चार सौ सत्तर पे है इस सफ़े पे कोई रह तो नहीं गया नहीं सफ़े पे कोई नहीं रह गया 471 पे कोई रह तो नहीं गया सर मैन्युफैक्चरर के नीचे दो लाइंस रह नहीं गई नहीं बोलेंगे रह गई है चलें जी हाउएवर फॉर क्लेमिंग रिफंड ओनली सच पर्सन शेल बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हु हैज हिज ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो कहता है कि रिफंड क्लेम करने के लिए सिर्फ उस शख्स को मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर समझा जाएगा जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है असल में ना मैन्युफैक्चरर्स को ना कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल हैं तो लोगों की अगर अपनी फैक्ट्री नहीं भी होती ना वो किसी और से मैन्युफैक्चर करवाते हैं वो कहते हैं सर हम भी मैन्युफैक्चरर ही हैं भाई ऐसे नहीं है उसने कह दिया कि हम मैन्युफैक्चरर उसको मानेंगे जिसकी अपनी ज़ाती फैक्ट्री होगी आप अगर किसी और से मैन्युफैक्चर कराते हैं ना तो सॉरी आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं तो कुछ बेनिफिट्स हैं वो आपके कोर्स में नहीं है तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि उन बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए हम आपको मैन्युफैक्चरर तब मानेंगे जब आपकी अपनी फैक्ट्री होगी किसी का ना खरीद के एक्सपोर्ट कर रहा है वो कुछ और है एक बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है उनको कुछ बेनिफिट्स हैं तो लोग, लोगों की फैक्ट्री नहीं होती वो किसी और से बनवा के कहते हैं कि जी हम भी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर कहा सॉरी आप नहीं है आपकी कि, किसी और से बनवा रहे हैं आप हाँ वो उनको नहीं मिलेगा फिर जी बिल्कुल वो इस सलेबस में शामिल नहीं है लेकिन ज़िंदगी में तो शामिल ज़रूर है अगर जानना है तो पाँच अगस्त को आ जाइएगा सी फाइव शुरू होने लगा कोई नहीं आप कैफ अली दफ़ा दे दीजिएगा जी सॉरी फिर बोलिए ये भी सेम वही बात है वो क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर आप किसी और से मैन्युफैक्चर करवाते देखें मुझे समझ आ गई आपका कन्फ्यूजन ये एक्सपोर्टर है जी और ये दुनिया में दावा करता है कि जी मैं मैन्युफैक्चरर भी करता हूं और एक्सपोर्ट भी करता हूं लेकिन ये बनवाता इससे है अब लॉ अब ये क्या कर रहा है रॉ मटेरियल इसका हो या ना हो ये तो मैन्युफैक्चरर है ही क्योंकि इसकी फैक्ट्री है लेकिन ये मैन्युफैक्चरर नहीं है क्योंकि इसके पास फैक्ट्री नहीं है तो फैक्ट्री होगी तो इसको कहा जाएगा तो ये दो बातें हैं रॉ मटेरियल इसका हो या ना हो ये मैन्युफैक्चरर है ही है लेकिन ये चूंकि इससे बनवा रहा है ये मैन्युफैक्चरर नहीं है ये पॉइंट है नहीं नहीं ओके okay. आपस में कुल हाँ ये अगर इनकी तादाद पूरी ना हो रही हो, होती है नहीं नहीं ऐसे नहीं होता गलत बातें ना किया करें कानून को कानून की तरह पढ़ा करें जी जी नहीं दुण दुण दुण। मतलब नहीं नहीं देखें एक बड़ा सिंपल से बात है आपके नाम पे कोई ना कोई फैक्ट्री या मशीनें होनी चाहिए सिंपल एनी अदर मैनर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और से बनवा के कह दें कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं यूँ तो फिर हर बंदा ही मैन्युफैक्चरर है हम तो दर्जी को कह के सूट भी बनवा लेते हैं फिर हम भी मैन्युफैक्चरर हैं ऐसे तो नहीं होता ना तो यही बात कह रहे हैं कि अगर आप किसी और से चीज़ें बनवा रहे हैं यू आर नॉट मैन्युफैक्चरर ठीक है आगे चलें सफ़ा नंबर चार सौ चौहत्तर के टॉप पे पॉइंट नंबर सी है जी एक वो है कि नहीं यह भी जुमला रह गया था सप्लाई की डेफिनेशन में मिलेगी आपको पॉइंट नंबर सी की लाश लेट्स लेट्यूम आपने साल के दौरान कोई चीज परचेज की सौ रुपए की और इस पर आपने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया क्योंकि बेचना ना बेचना बात की बात है खरीदने पे इनपुट क्लेम हो जाता है अब ये चीजें सेल नहीं हुई लेकिन आप एफबीआर के पास चले गए डी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट लेके चले गए अब आपने जब डी करा ली तो उसके बाद जब ये चीजें बेची तो क्या आप कोई टैक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे अब आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है अब यहां पे एफबीआर कहता है बड़े से आने हो इनपुट क्लेम कर लेते हो उसके बाद डी रजिस्टर होके आउटपुट के, के बगैर चीजें बेच देते हो तो आउटपुट तो है नहीं तो इनपुट कैसे प्रॉब्लम समझ आई तो उसने कह दिया कि जब तुम मेरे पास डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लेकर आओगे ना उस वक्त तुम्हारे पास जितना भी स्टॉक पड़ा होगा ना मैं उस पूरे स्टॉक को तुम्हारी सेल मान लूंगा और मैं कहूँगा इस पर आउटपुट दे दो ताकि कहानी खत्म हो उसके बाद जो मर्जी करो बेशक जन्म में जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक होगी बात तो पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमिजिएटली बिफोर डी रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास जितना भी टैक्सेबल स्टॉक पड़ा हुआ है वो सारे का सारा सेल मान लिया जाएगा वो भी सप्लाई है कोई सवाल या कोई जवाब नो सवाल नो जवाब चलिए जी और मेरे ख्याल से सफा नंबर चार सौ छिहत्तर खत्म हो गया सेल टैक्स कोई खत्म नहीं हुआ अभी जी सफा नंबर बताइए नहीं ये मैंने बता दिया था। नहीं नहीं, मैंने था नहीं नहीं ये मैंने बताया था पार्ट पेमेंट वाला कि ये अब एप्लीकेबल नहीं है नहीं 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 आएगा छोड़ दे फोर सेवेंटी सिक्स पॉइंट नंबर थर्टीन

तो आपको सारी बात पता ही अब मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ें जितने पे भी कंज्यूमर को सेल होंगी बस वही उसके लिए क्या है रिटेल प्राइस है रिटेल प्राइस यही होती है ना कंज्यूमर को जितने पे सेल हो और वो फिक्स हो जाती है एक दफा बस ये थर्टीन वाला पॉइंट इसलिए आपको छुड़वा दिया था इस थर्टीन को इस टेबल से अलग कर दें जुदा कर दें इसकी राहें ऊपर वाले बारह पॉइंट से ठीक है ये भी ख़त्म हुआ सबने खत्म हो जाना है आपने भी ख़त्म हो जाना है बात पहले खत्म होने की होती है और क्या रहे? ओ कोई रह तो नहीं गया सफा नंबर चार सौ पचासी पे नंबर आखिरी डब्बा इनपुट टैक्स दैट इज एंडल सर जी ये मिसाल मैं एक देता हूं सॉरी साल में एक दे देता हूं आपने एक हीटर खरीदा और हीटर के बदले में आपने उसे पैसे नहीं दिए आपने उसे टायर दे दिए यानी कि जब भी आप इन काइंड पेमेंट करेंगे तो यह वाला सेक्शन लागू हो जाएगा वो क्या कहता है जी वेयर गुड्स आर सोल्ड अगर चीजें बेची गई एंड द सम रिसीव पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन का चले हम खरीदने में आ जाते हैं मिसाल के तौर पे आपने टायर बेचे बदले में सत्तर हजार रुपए के आपने टायर बेचे बता दूं, आपने सत्तर हजार रुपए के टायर बेचे आपने सत्तर हजार रुपए के टायर बेचे ओके okay? आपने सत्तर हजार रुपए के टायर बेचे आपने सत्तर हजार रुपए के टायर बेचे यार सीढ़ी फंस गई है हीटर खरीदा चालीस हजार रुपए का तो बकाया पैसे बकाया तीस हजार ट्रांजेक्शन समझ आ गई आपने टायर बेचे सत्तर हजार रुपए के

नो no, है I mean no. hey, तीन शरात पूरी करें नो गुड्स रिसीव्ड इन काइंड आर टैक्सेबल टैक्सेबल वो कहता है हीटर होना चाहिए ये का नहीं होना चाहिए पहली शर्त गुड्स रिसीव्ड आर शोन इन रिकॉर्ड ये हीटर आपको रिकॉर्ड में बताना पड़ेगा कि मैंने खरीदा है द बैलेंस अमाउंट तीस हजार की बात कर रहा है इवन इफ लेस देन फिफ्टी थाउजेंड इज रिसीव्ड थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट तो ये तीस हजार आपको बैंक में आना चाहिए आपको कैश में नहीं आना चाहिए क्या ये बात समझ आई तो सर ये वाला पॉइंट सिर्फ उस सूरत में है अगर आपने कोई चीज बेची और आपको पैसे इन काइंड मिल गए तो फिर तीन बातें पूरी करनी है जो चीजें मिल रही हैं आपको इन काइंड में वो टैक्सेबल हो आपने इन मिलने वाली चीजों यानी परचेजेस को रिकॉर्ड में शो कराया हो रिटर्न में परचेजेस दिखाया हो और तीसरा जो बकाया पैसे आपको मिल रहे हैं चाहे एक रुपया क्यों नहीं मिल रहा यह आपको बैंक में आना चाहिए फिर वो कैश वाली बात खत्म हो गई जिसमें पढ़ा था कि पचास हजार से नीचे वाली अमाउंट कैश में हो सकती है सॉरी इस सूरत में नहीं हो सकती ठीक होगी बात सवाल क्या पेज नंबर बताएं फोर सेवेंटी सेवेंटी थ्री में क्या है? अच्छा सेवेंटी सिक्स हां जी सेवेंटी सिक्स में क्या हो जी हां जी क्या कर रहे हैं जी भाई ये पॉइंट है कि जो चीजें आप सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है आपको जब इन काइंड पैसे मिले तो जो चीजें सेल कर रहे हैं उन सेल की वैल्यू क्या है आप लोग जब आउटपुट लगाएंगे तो टायर पे लगाएंगे ना आउटपुट टायर पे होगा किस वैल्यू पे अठारह परसेंट लगाएंगे ओपन मार्केट प्राइस पे ये आप जो टेबल मुझे रेफर करवा रहे फोर 476 सिक्स पे वो ये कह रहा है वो कह रहे हैं कि दिस शुड बी ओपन मार्केट प्राइस नहीं आपको अगर चालीस हजार का हीटर मिल गया तीस हजार कैश मिल गया आप तो कहेंगे ना मैंने सत्तर हजार की सेल की लॉ कहता सॉरी टायर की ओपन मार्केट प्राइस निकालो हो सकता नब्बे हजार हो तो नब्बे हजार मुझे यह वाला पॉइंट यह कह रहा है बात समझ आई मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं वो इसकी बात कर रहा हूं कि इनपुट का क्या करना है जो हीटर आपको मिला है हीटर मिला आपको इस हीटर के ऊपर इनपुट होगा वो उसकी बात कर रहा है तो ये दो डिफरेंट बातें अब बात समझ आ गई शुक्र है समझ आ गई हो हो हू हो हो किधर फंस गया मैं कोई सवाल कौन सा पेंडिंग था अब नहीं पेंडिंग रहा ये और ठहर तो जा 485 ओके है 485 सब ओके है भाई कहता है 490 पे कुछ पेंडिंग है कौन सा पेंडिंग है 11।, 11. 11. इसके साथ मैंने क्या लिखवाया था चैप्टर 15। सेक्शन 124 में जा। चैप्टर 15। चैप्टर 15। सेक्शन 124। सौ पेज नंबर मेरे पास किताब है पेज नंबर निकालें चैप्टर 15 का 124. भाई चैप्टर फिफ्टीन का आ, आ, थर्ड लास्ट पेज होगा या सेकेंड लास्ट पेज होगा ये देखें ये आपकी कताब है ना किताब ये देखें किताब है ये देखें ये किताब है ना किताब किताब का जो ये सब है ना यहां पर कहीं लिखा होगा तीन सो तीन सो पे मिलेगी आपको सेक्शन 124 की लाश क्या कहती है ये हेडिंग पढ़ असेसमेंट गिविंग एफेक्ट टू तो एन ऑर्डर अब सेल टेक्स में आगे पढ़े 11 बी की क्या हेडिंग है मतलब जात का पीआरसी और एफसीए के साथ जी ठीक है जी सब अच्छा है बस ठीक है आगे चले ओ कोई रह तो नहीं गया ओ कोई तो नहीं गया चार सौ तू अपना बानवे चार सौ बानवे मैं जू चैप्टर फिफ्टीन पे आ, आ चैप्टर फिफ्टीन पे एक दो चौथा सवा निकाल चैप्टर फिफ्टीन का इफ आई एम नॉट नहीं दूसरा नहीं है पहला दूसरे पे वो था तीसरे पे वो था हाँ, चौथा ही है चौथे के टॉप लेफ्ट पे देख चैप्टर फिफ्टीन पे हो एक दो तीन ये ये देखो ऊपर टॉप लेफ्ट पे टेबल बना हुआ बना हुआ बना हुआ अब उस टेबल को आगे देखो उसके अंदर ये बातें लिखी हुई है ये टेबल छुड़वाया ना चैप्टर फिफ्टीन का इसीलिए छुड़वाया हुआ कि वो बात और ये बात सेम है तो जब ये पढ़ेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कौन है यार ये अच्छा साथ वाला भी वैसा ही है वो बढ़ा तूने। बाबर आजम बिठाया हुआ चले जी आगे अब फिर वही फनकारी किधर है फोर नाइनटी थ्री पे तू अब बोला ना तू चुप करके बैठ मुझे पता है क्या क्या रहता है अजीब आदमी है यार ये पांच सौ दो पे आइए तुझे वैसे तीन सौ दो के तहत ना पांच सौ दो पे है पांच सौ दो में सेक्शन रूल नंबर वन और रूल नंबर टू तो पढ़ाई नहीं रूल नंबर वन वन इतना इंपॉर्टेंट है भाई शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट दीज रूल्स अजीब आदमी है, पढ़ाया नहीं आप लोग बताते भी नहीं आगे से वेरी इंपॉर्टेंट भाई वेरी इंपॉर्टेंट पेन नंबर 502 सौ दो मेरे भाई ये वो नहीं वो है रूल टू इंडिकेटिंग दैट नो सेल्स टैक्स इज पेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द टैक्स पीरियड बड़ी बात की है वो कहता है जिस बंदे की निल रिटर्न होगी ना इसका मतलब है कि इसका इस महीने में कोई टैक्स भी पेबल नहीं है रेजिडुअल इनपुट टैक्स किसकी बात करने लगा है सर आपको ये वाली डेफिनेशन बताने लगा ये देखें इसकी ये देखें इसकी ओके okay? ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स है रेजिडुअल इनपुट टैक्स इज टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स एंड कैपिटल गुड्स सर क्या ऐसा ही है और बोले कैसे ही है ओके बीइंग यूज फॉर मेकिंग बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई सर सवाल बड़े ध्यान से आपने सुनना है सर ये दोनों अमाउंट्स यहां पे क्यों लिखी हुई है क्योंकि ये तीनों में इस्तेमाल हो रही है और हमने इनको तीनों में अपोर्शन करना है इसलिए यहां पे लिखी हुई है ये अगर इनमें से कोई ऐसी अमाउंट सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल हुई होती क्या मैं उसको यहाँ पे लिखता फिर मैं उसको यहाँ पे ना लिखता फिर ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स ना होता फिर उसका क्या करते फिर उसको अलग से कैलकुलेट करते हैं ना बस यहां पर एड कर देते अलग से कैलकुलेट करते और यहां पे एड करते आप लोग ना न्यूमेरिकल जो कर रहे हैं अभी उसके अंदर एक जुमला पड़ रहे हैं बार बार के गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स आर अनर फॉर ओनली टैक्सेबल ये जुमला आ रहा है बार बार हम इसको कुछ नहीं कर रहे क्यों क्योंकि अनरजिस्टर्ड लोगों से खरीदने पर टैक्स होता ही नहीं है ऐसे ही है ना टैक्स होता ही नहीं है इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं डरे उस दिन से जिस दिन वो लिख देगा कि गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर यूज ओनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सेल फिर अंदाज बदल जाएंगे फिर आप उसको इन तीनों में पोर्शन नहीं करेंगे उस परचेज को बल्कि अलग से उसका इनपुट निकाल के यहां पर लाके ऐड कर देंगे तो सवाल में जब कोई ऐसा सवाल करने हमने बेफिक्रे जब ऐसी कोई एडजस्टमेंट आएगी ना जिसमें वो कहेगा कि जी पैकिंग मटेरियल पांच लाख दस हजार का इक्यानवे आठ सौ सिर्फ इसमें इस्तेमाल हुआ था हम इसको इस वर्किंग में लिखेंगे नहीं हम इसको नहीं लिखेंगे यहां पर क्योंकि अगर इस वर्किंग में लिख दिया तो फिर हम इस टोटल को उठा के यहां पर आगे इसको भी अपोर्शन कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा हम इसको सिर्फ टिक कर देंगे और याद रखेंगे कि इसको बाद में हमने रिस्पेक्टिव एरिया में जाके लिखना है तो हम यहाँ पर सिर्फ वो इनपुट्स लिया करेंगे जो सब में इस्तेमाल हो रहे हैं सब को पोर्शन कर देंगे और उसके बाद पाँच दस इक्यानवे आठ सौ इसके आगे आके मैनुअली एड कर देंगे ये काम हम किया करेंगे और आई कैप ऐसा सवाल पूछता है अब ये तो छोड़ दें अब ये तो ऐसे ही बस बच्चों का खेल है अब ये नहीं पूछता 29, 28, 29, 29, 29 पे आ रही हैं करेंगे परेशानी हो तो होता है इट डज नॉट इंक्लूड द इनपुट ऑन रॉ मटीरियल यूज ओनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाइज और यूज ओनली फॉर मेकिंग एग्जाम सप्लाइज तो जो इनपुट सिर्फ टैक्सेबल में हो रहा है या सिर्फ एग्जेम में हो रहा है वो यहां पर नहीं आएगा मेरे भाई ठीक है उसको अलग से लिखेंगे दैट इज नॉट कॉल्ड रेजिडल इनपुट टैक्स रेजिडल इनपुट टैक्स वो होता है जो सब के लिए इस्तेमाल हो रहा हो जिसके बारे में आपको पता ना हो कि ये किसका है यार मैं आपको फिर मिसाल दे देता हूं ये देखें और नहीं आवी छोड़ देना फजूल आदमी अब्बा जी चिप्स का डब्बा लेकर आए कॉमन इनपुट कॉमन वो बोले अपोर्शन करना पड़ेगा आप सब में अपोर्शन करेंगे सो दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल चिप्स लेकिन अगर अब्बा जी डब्बे ही पांच ले आए तो मुझे बताइए क्या अब आपको पोर्शन करना पड़ेगा दिस इज नॉट इनपुट इनपुट ये residual input नहीं है अब क्यों पोर्शन करेंगे आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे ठीक होगी बात या अगर मैं कॉम्प्लीकेट करूं चीजों को ये देखें दो डब्बे आ गए ये पांचों में जाना है और ये अकेला एक में जाना है तो अब आप क्या इसको भी पांचों में कर देंगे इसको आप अलग रखेंगे आप इसको इस वर्किंग में लेकर ही नहीं आएंगे आप बकाया सारे कॉमन इनपुट्स करेंगे यहाँ पे लिखेंगे अपोर्शन करेंगे और इसका जो इनपुट होगा वो मैन्युअली उसके खाते में जाके लिख देंगे ओ oh मैन ये खाने की बातें समझ आती हैं फजूल आदमी पढ़ता नहीं है बातें करा लो इससे तैयारी शुरू की तूने बेटा तू अगर मुझे रिजल्ट के बाद टैक्स के अलग वाले नजर आया ना तू गया फिर अब तो गाड़ी भी मेरी बड़ी है वजन भी बहुत है का। ओके कुछ जी हाँ तो कैपिटल गुड फिक्सर सिटी होते हैं नहीं नहीं वो साथ वाला भी है वो हो इसकी पोर्शनमेंट कैसे हुई है ऐसी ही हुई है ना चार मिलियन ओवर चार मिलियन इंटू तीस हजार पांच सौ आठ ये कैसे पोर्शन हुआ चार मिलियन डिवाइडेड बाय चार मिलियन इंटू तीस पांच सौ आठ ऐसे ही हुआ ना तो ये भी रेज इनपुट है मैंने बस इस कॉन्टेक्स्ट में मिसाल दी इसमें भी सेम है ठीक है दोनों को मिला के रेजिड इनपुट कहा जाता ओके okay? जी मेरे ख्याल से तमाशा अब खत्म हुआ नहीं नहीं कहीं एक दफा नहीं खत्म हो गया सब ने खत्म हो जाना है आपने भी खत्म हो जाना है किताब दीजिए बड़ी छुट्टी हो गई भी छुट्टी हो गई अल्लाह हाफिज बाय बाय जाओ वो दरवाजा है ओ मैन पेज नंबर 554 तीन सवाल आपको मक दिए थे सब अच्छा है नींद आ रही है मेरे भाई को क्यों क्या हुआ बोरियत तो हो रही है क्या रात को लेट सोए थे बार बार सुन सुन के नींद आ रही है आ जा भाई सॉरी यार सॉरी यार मैं बोर कर रहा हूं तुझे यार वैसे तुझे सच्ची बात बताऊ ये तेरे दोनों दोस्त नहीं है या तीन के सांप है इन्होंने बताया था सर यह सो गया <laughs> फ्रेंडशिप ब्रोकन विद दी टू लेकिन वो सोया नहीं ना सो तो तू गया अच्छा चले सफा नंबर फाइव फिफ्टी फोर क्वेश्चन नंबर फाइव सर अब यह क्वेश्चन नंबर फाइव जो है मुझे बताइए क्या ये सवाल मैं डिस्कस करूं आपसे मतलब आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही है सवाल देखते हुए फाइव फिफ्टी फोर मेरे भाई तो सवाल नंबर पांच में डिस्कस नहीं कर रहा आप लोग सिक्स पे आ जाइए मारूफ इंजीनियरिंग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट द कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिक्ड ऑफ एम ई एल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी ग्यारह परचेजेस जो रजिस्टर्ड लोगों से पंद्रह मिलियन की खरीदी गई इस पर अठारह परसेंट इनपुट मिल जाएगा वर्किंग वन में वो बोले और जो अनरजिस्टर्ड से आठ मिलियन है इस पर कोई इनपुट नहीं होगा जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें आपने रजिस्टर्ड लोगों को दस मिलियन की बेची वो वर्किंग थ्री में आ जाएंगी और तीन मिलियन की इधर आ जाएंगी ताइवान पाकिस्तान से बाहर है पाकिस्तान के अंदर है आजकल पाकिस्तान से बाहर ही है दस मिलियन इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा अच्छा अगर ताइवान आपके पेपरों तक पाकिस्तान में आ गया ना फिर यहाँ लिखिएगा और अगर आपके पेपरों तक वो बाहर ही रातों में यहां लिखिएगा आपका पता भी कोई नहीं शहजादे लोग बैठे हैं इधर फॉलोइंग इजाफी मालूम इज ऑल्सो अवेलेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज वन मिलियन विच वॉज इन वॉयस्ड ऑन मे पंद्रह द इनपुट टैक्स ऑन दिस इन्वॉयस कुड नॉट बी क्लेम्ड इन द रेलिवेंट पीरियड पिछले सफ़े पर ना परचेजेस आ रही हैं पंद्रह मिलियन की उसके अंदर कहता है कि एक मिलियन की इन्वाइस ऐसी है जो पंद्रह मई को हमारे पास आई थी तो इस पर हम इनपुट टैक्स अभी तक क्लेम नहीं कर सके थे तो हमने इस महीने यानी कि फरवरी ग्यारह में क्लेम कर लिया तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूं नहीं सर छः महीने में कर सकता हूं मई के बाद छः महीने निकालें जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर तक मैं क्लेम कर सकता था तो सर अब तो फरवरी आ गया भाई तो इसीलिए ये वन मिलियन माइनस हो जाएगा मटेरियल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स वाज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लायज इग्नोर करेंगे क्योंकि अनरजिस्टर्ड से खरीदा हुआ है ना उन उनपे तो टैक्स होता ही नहीं है इग्नोर गुड्स वर्थ रुपीज पांच लाख वर रिटर्न बाय डिफरेंट कस्टमर्स प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स वर रेज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड क्या करूं वर्किंग थ्री में से रजिस्टर्ड में से लेस कर दें ओके अ न्यू मशीनरी ऑफ चौबीस लाख वॉज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द सेम मंथ सर ये चौबीस लाख इधर आ जाएगा इस पर अठारह परसेंट यहां लिख देंगे आप रुपीज बीस हजार वॉज पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या करूं इस बीस हजार पे अठारह परसेंट लगाकर आप यहां पर लिख देंगे क्योंकि बिजली के बिलों पे टेलीफोन के बिलों पे आपने जो भी इनपुट बनता है आपने माइनस कर देना इसका एक पॉइंट है इनशाला वो नोमिकल पे जब आऊंगा ना आपको बता दूंगा रुपीज, use, आपको था ये, हो इंप्लॉइज हो सीईओ को को कोई फ्री में चीजें दे दी जाए तो वो सेल आती है तो इसको रजिस्टर्ड में ही डाल दीजिएगा सेल्स टैक्स क्रेडिट ऑफ पचास हजार वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड तो आपको पता है फेस में जाके ऐड हो जाएगा कोई सवाल इसके अंदर एनी क्वेश्चन मैन जी बिजली का बिल बीस हजार है उस पर अठारह परसेंट इनपुट लगा के क्लेम कर लें बिजली के बगैर आप चीजें बना सकते हैं फैक्ट्री के अंदर यूज इन टैक्सेबल सप्लाईज मिस्टर आगा ओ मैन आगा आगा इज रजिस्टर्ड अंडर द आगा को आगा कहना ना बुरा लगता है आगा साहब कहते हैं पता नहीं क्यों ऐसे ही आगा साहब होना चाहिए आगा इज अ वेरी वेरी भारी वर्ड आगा क्या ख्याल है जी नहीं ज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट ही एंड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ आजादी का 2011। हजार मेड ड्यूरिंग द मंथ लोकल टैक्सेबल टू रजिस्टर्ड सौ वर्किंग थ्री लोकल टैक्सेबल सप्लायज टू अन यहां पर एक्सपोर्ट टू यू एंड इधर और सप्लायर ऑफ अ कनेडा होता है कनेडा एग्जैम्ड so, इधर ठीक है कनेडा गुड्स वर्थ रुपीज पंद्रह लाख वर रिटर्न बाय रजिस्टर्ड पर्सन प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स नोट है क्या करना है जी इसका वर्किंग थ्री में से माइनस सेल रिटर्न फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द मंथ रजिस्टर्ड तिरपन आठ वर्किंग वन में ले जाएंगे अठारह लगा देंगे और अनरजिस्टर्ड से जो दस है इसको इग्नोर करेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन वर एक्सक्लूसिवली टैक्स सप्लाई कुछ भी नहीं करना भाई इग्नोर हांजी हूं आरा एन अमाउंट ऑफ साढ़े सात लाख सॉरी लाख इज पेबल टू अरजिस्टर्ड परसन सिंस अट्ठाईस जनवरी ग्यारह क्या करना है जी इसका वन एटी डेज ओके तो वन एटी यार जगह ही खत्म होगी ये है ये है हां जी अट्ठाईस जनवरी जनवरी के तीन दिन बनेंगे फरवरी के लीप ईयर है कि नहीं कौन सा साल है ग्यारह इज 28 मार्च के कितने दिन अप्रैल के मई के जमा बाईस इकतीस जून के बताएं टोटल कितने दिन हो गए जबानी देख रहा है कैलकुलेटर नहीं कर रहा पेपर में टू प्लस टू छवा करता है कैलकुलेटर में जी वन फिफ्टी थ्री ओ बोले तो इसका मतलब है जुलाई के सत्ताइस दिन तभी वन एटी पूरे होंगे सत्ताईस जुलाई तक आपने इसकी पेमेंट करनी थी लेकिन आपने नहीं की क्या करूं जुमला याद करें क्या कहा था मैंने जिस महीने में एक सौ अस्सी दिन पूरे होंगे आपने उस महीने में इनपुट डिसलाउ कर देना है किस महीने में पूरे हुए जुलाई में तो जुलाई में इनपुट डिसअलाउ कर देना है आप किस महीने का सवाल कर रहे हैं अगस्त का तो बस जुलाई वाले सवाल में हो चुका होगा आपने इस महीने में कुछ नहीं करना तभी में जिन लोगों ने सवाल किया ना जिन्होंने सवाल किया उनको पता होगा में में ये माइनस माइनस नहीं नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो इसीलिए दिन जुलाई खत्म हो गए तो जुलाई के रिटर्न बनाते हुए वहां पर डिसअलाउ कर दिया गया होगा तो ये बात मैं इसलिए कह रहा था बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि जिस महीने में एक सौ अस्सी दिन पूरे होंगे आपने उस महीने में ही डिसअलाउ करना है ओके बात समझ आई तो जुलाई में खत्म हो गए जुलाई में डिसलाउ कर दिया होगा अगस्त में दोबारा आप नहीं करेंगे बस बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था सेल टैक्स छह लाख दस हजार ब्रॉड फॉरवर्ड है और आखिर में लिखा हुआ जी आगा साहब इज ऑल्सो रिक्वाज दस हजार ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन डिफेक्ट इन देंटेन्स रिकॉर्ड ये आप जब फर्दर टैक्स बनाते हैं ना उसके बाद आप पेनल्टी की लाइन ऐड करके तो दस हजार एड करके सेल्स टैक्स पेबल बना लेंगे किसी का कोई सवाल सब अच्छा है न, ओके okay. कल आप सवाल नंबर आठवां करके आएंगे सॉरी थर्सडे को फिर आप सवाल नंबर नवा करके आएंगे और दसवें सवाल में तो आपका अपना नाम लिखा हुआ है ये तो आप करके ही आएंगे तो ये आठवां नौवा दसवां तीन सवाल आपने करके आने हैं इनशाला थर्सडे से गालिबन चैप्टर फिफ्टीन करवाऊंगे लॉसेस करवाऊंगा चैप्टर फिफ्टीन करवाऊंगा क्यों उसके साथ थ्योरी है और सेल टैक्स के नुमेरिकल हैं दोनों मिल बांट के चलाते रहेंगे बाद में लॉसेस करेंगे क्योंकि लॉसेस जो हैं वो उसके साथ नुमेरिकल भी हैं तो फिर ऐसे वो गुड़मुड़ हो जाएगा लॉसेस के नुमेरिकल और सेल टैक्स के नुमरिकल ठीक है इंशाल्लाह आपसे अब थर्सडे को मुलाकात होती है ख्याल रखिएगा रब रखा